Hey guys, welcome back to my channel, Fantastic Nisho। तो आज मैं आप सभी के लिए बहुत मजेदार ब्लॉग लेके आया हूँ। एक मैं जाने वाला हूँ सोमनाथ मंदिर दर्शन के लिए। अभी सावन का महीना चल रहा है यार, तो सावन के महीने में ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना बहुत ही सौभाग्य माना जाता है। तो यार चलते हैं आज ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए, एंड इसको और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं इस ट्रिप को यार बहुत ही कम बजट में कवर करने वाला हूँ। मैं दो ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने वाला हूँ, दूसरा मैं बाद में बताऊंगा, पहले अभी हम सोमनाथ जाएंगे। तो मैं बताने वाला हूँ, इस पूरे ट्रिप का बजट है सिर्फ 1000 रुपये। 1000 रुपये में मैं पूरी ट्रिप बताने वाला हूँ, वो भी प्रूफ के साथ। मैं आप सभी को टिकट्स भी दिखाऊंगा, सारी चीज़ें, रहने का, खाने का, घूमने का सारा चीज़ बताने वाला हूँ। एंड वहाँ पे कौन कौन सी और भी प्लेसेस हैं ज्योतिर्लिंग के अलावा, सोमनाथ में और भी बहुत सारी चीज़ें देखने की है, वो मैं बताऊंगा आप सभी को। तो चलिए जल्दी से चलते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। पहली टिकट मैंने ले ली है। तो देखिए, मेरे पास थे 1000 रुपये, तो मैंने उसमें से 160 रुपीज़ की टिकट ली है सोमनाथ की। जामनगर टू सोमनाथ मुझे टिकट पड़ी है 160 की, तो मेरे पास 840 रुपये बचे हैं। तो इसके बाद करेंगे आगे का भाई के क्या क्या होने वाला है इतने में, तो चलिए चलते हैं अभी। एंड हाँ, मैंने एडवांस में टिकट बुक कर ली थी, क्योंकि यार फिर मिलेगी नहीं, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है ना, तो वहाँ पे बहुत भीड़ होने वाली है। तो देखते हैं यार वहाँ जाके क्या होता है। एंड हाँ, मैं बुक करा लियो पहले से, इससे आधा है मेरे को, मेरे बस के लिए मैं लेट हो रहा हूँ। तो चले चलते हैं जल्दी से। सुबह के 7 बज रहे हैं एंड हम पहुंचेंगे 1-1.5 बजे तक मेरे ख्याल से। तो अब देखते हैं जितने भी बजे पहुंचे। अभी मैं सो जाता हूँ यार, रात में बहुत लेट तक जाग रहा था, ठीक है, उसके बाद जग के बताएंगे आपको कहाँ पहुंचे हैं आधे रास्ते। तो गाइस, आप सभी ने देखा हम जूनागढ़ से निकल गए हैं सोमनाथ के लिए। अभी सोमनाथ पहुंचने में 1 घंटा और शायद लगेगा, 12 बज रहा है अभी तो ऑलरेडी, ठीक है। तो मैं सो के उठ गया था एंड बाद में फिर मैं वीडियो शूट करने में लग गया बाहर। बहुत बार अच्छे व्यूज़ थे, आप सब ने देखे। एंड उसके बाद आप जा रहे हैं सोमनाथ, होपफुली जल्दी पहुँच जाए। पहले वहाँ पर दर्शन करेंगे, उस वक्त कुछ खाएँगे, ठीक है। तो चले चलते हैं अभी, देखते हैं आगे रास्ते में और क्या क्या होता है। जस्ट एंटर किए सोमनाथ में एंड अभी मंदिर के पास उतरेगी गाड़ी, तो फिर जाएंगे अंदर दर्शन के लिए। तो गाइज, हम पहुंच चुके हैं सोमनाथ मंदिर। यहाँ पे बस स्टैंड है, यहाँ पे बसेस रुकी है, तो यहाँ से जाएंगे मंदिर पैदल, वॉकिंग डिस्टेंस में है एकदम, ठीक है। तो चले चलते हैं अभी जल्दी से मंदिर के दर्शन के लिए। ये देखिए सामने आपको दिख रहा है, ये है सोमनाथ का मेन मंदिर। यहाँ से एंट्री है मंदिर की, बट आपको मोबाइल फोन या कुछ भी अलाउड नहीं है यहाँ पे ले जाने के लिए। तो यहाँ सोमनाथ में आपको चाहिए क्या है, ये बेलपत्र है, प्रसाद है, यहाँ से ले सकते हैं। भैया आपका नाम बता दो। मेरा नाम प्रदीप है। अच्छा, तो इनके पास से आप ले सकते हो, यहाँ पे मंदिर के पास में ही है सब।
ठीक है। तो चलिए अभी चलते हैं, मोबाइल फोन वगैरह सारा चीज रख देते हैं, उसके बाद मंदिर के दर्शन करते हैं। मैं सारा चीज देखो, भैया बोले सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, लाइक करो। हाँ थैंक यू वेरी मच। ये देखिए यहाँ पे आप मोबाइल फोन बैग्स वगैरह सारा चीज रख सकते हैं, क्योंकि अंदर ले जाना अलाउड नहीं है। एंड यहाँ पे फ्री निशुल्क सेवा है, यहाँ पे कोई पैसा नहीं लगेगा आपको ये सब सारा चीज रखने का। एंड अच्छे से रहेगा सिक्योरिटी के साथ में, क्योंकि ये मंदिर जेड सिक्योरिटी में आता है, अंदर ले जा नहीं सकते हैं मोबाइल वगैरह कुछ भी चीज। तो इसका भी एक कारण है, मैं आपको बताऊंगा बाद में। ये देखिए गाइस, बैग रखना हो तो यहाँ पे जो मैंने बताया मोबाइल वगैरह के लिए, उसके जस्ट पीछे है सामान वगैरह, उसका रेट वगैरह बता देता हूँ। बहुत सस्ता है, 10 रुपये 20 रुपये ऐसे ही है रेट। यहाँ पे बैग रख सकते हैं आप 5 से 6 घंटे के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा रख सकते हैं मैक्सिमम। तो ये देखिए मेरा हो गया है, मैंने बैग रख दिया है। एंड अभी मैं मोबाइल फ़ोन वगैरह सारे चीज़ें रखूँगा, ठीक है। ये भैया से हम बेलीपत्र लेंगे महादेव को चढ़ाने के लिए। तो गाइस देखिए हो गया है सोमनाथ मंदिर के दर्शन, यहाँ से रिटर्न आए हैं हम। अब वापस अब इस तरफ चलते हैं, यहाँ से देखेंगे हम खाने के लिए, ढूंढेंगे यार कहाँ जा सकते हैं खाने के लिए अच्छा और सस्ता, ठीक है। देखिए बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे। यहाँ पे ट्रस्ट का एक है, वहां पे खाना मिल जाएगा हम सबको, तो देखेंगे वहां पे। देखिए ये मंदिर है, यहाँ से ही आपको बस मिल जाएगी यहाँ पे, और भी बहुत सारी चीजें घूमने के लिए यहाँ पे ले जा सकते हैं भैया लोग। कितना लेते हो भैया ऑटो से घुमाने का? यहाँ से पूरा ऑटो आपका ही रहेगा, 500 रुपए रेट रहता है। अच्छा 500 रुपए रेट में पूरा ऑटो से घुमा देंगे। बहुत सारी जगह है यहाँ पे आसपास घूमने के लिए। एंड ये ट्रस्ट की बस है, यहाँ से बस से भी जा सकते हैं आप। बस में पर पर्सन 30 रुपीज मेरे ख्याल से कुछ लगता है, देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे। मैंने अंदर मंदिर के अंदर बहुत सारी चीजें देखी, ऐसी ऐसी चीजें देखी, तो आप सभी को बताऊंगा उसके बारे में मंदिर के पीछे जाके, क्योंकि वहां से मंदिर के अंदर का सारा चीज कुछ कुछ चीजें दिखेगी वहां से। तो ठीक है चलिए अभी चलते हैं खाने के लिए, ट्रस्ट का कहाँ पे है भोजनालय है वो ढूंढते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ ट्रस्ट का भोजनालय है, यहाँ से आप खाना खा सकते हैं। मंदिर के राइट साइड में है, अगर मंदिर को आप देखते हैं तो यहाँ पे आके आप खाना खा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अंदर जाके क्या है। ये देखिए थोड़ा सा अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा, यहाँ पे भोजनालय है, फ्री भोजन प्रसाद की व्यवस्था है सबके लिए, सारे भक्तों के लिए है। तो चलिए अंदर देखते हैं क्या मिलेगा, एंड मैं आपको बताता हूँ फिर क्या खाएंगे हम। अभी पहले यहाँ पे खाना लेने के लिए हमको इसके पीछे तरफ में टोकन लेना पड़ेगा, वहाँ पे गेट के पास है टोकन, तो वहाँ पे टोकन लेते हैं, उसके बाद फिर खाना लेंगे। यहाँ पे भोजन पास मिलेगा आप सभी को, देखिए भैया एक पास दे दीजिए, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है भैया। टाइमिंग क्या क्या रहता है इसका? 11 से 3, 7 से 11, ओके धन्यवाद भैया महादेव। देखिए ऐसा टोकन आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, एक थाली लिखा हुआ है। चलिए खाना खाने के बाद उसके बाद घूमने जाएंगे, यहाँ पे और भी बहुत सारी जगह है घूमने की। तो गाइज मैंने खाना खा लिया, बहुत ही टेस्टी था खाना, वहाँ का प्रसादम बहुत टेस्टी एंड फ्री ऑफ कॉस्ट था वो, बट वहाँ पे अंदर वीडियो अलाउड नहीं था इसलिए मैं वीडियो नहीं ले पाया वहाँ का अंदर का। अभी हम जाएंगे यहाँ पे एक अहल्या बाई का एक मंदिर है जो कि महादेव का ही है, शिवलिंग ही है वहाँ पे अंदर, तो वो मंदिर हम दर्शन करने जाएंगे। उसके बाद हम मंदिर के पीछे साइड जाएंगे, वहाँ से भाई मैं मंदिर के अंदर का कुछ
चीजें दिखेगी आपको बाहर से ही, वो दिखाऊंगा। एंड समुंदर एक तरफ रहेगा, एक तरफ मंदिर रहेगा, तो आपको दिखेगा बहुत ही सुंदर नज़ारा रहेगा। मंदिर के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी, वो आप सबको बताऊंगा मैं कि भाई अंदर में क्या क्या देखा मैंने, कैसा कैसा लगा। बहुत अच्छा था दर्शन, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था यार। आप जो भी है महादेव को मानते हैं तो एक बार ये सोमनाथ का मंदिर आके देखिए। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग हमारे भारत का सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है। तो देखिए गाइस यहाँ पे है ये मंदिर, ये मंदिर के दर्शन आप कर सकते हैं यहाँ पे। चलिए अंदर चलते हैं। ये देखिए ये है अहिल्या देवी, इन्होंने ही ये मंदिर बनवाया था। एंड यहाँ से मंदिर के दर्शन होते हैं अंदर, तो चलिए अंदर चलते हैं दर्शन के लिए। क्या इस मंदिर से बाहर निकलने का रास्ता ये है, ऐसा है। बहुत ही अच्छे से दर्शन हुए वहां के। तो दोस्तों आपने देखा ये मंदिर अहिल्या बाई के द्वारा स्थापित किया हुआ है, तो इसके भी दर्शन जरूर करिए अगर आते हैं तो। आप अगर मंदिर की तरफ देख रहे हैं तो मंदिर के राइट साइड पर आपको दिखेगा ये मंदिर, आप किसी भी पूछ सकते हैं, आ सकते हैं। बहुत ही अच्छे से दर्शन हुए हैं, बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे आके। एकदम अंदर है, नीचे तरफ में है मंदिर,